नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले बढ़ते हैं बड़ी जानकारी की तरफ। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर 17 डीएसपी पुलिस की मुख्यधारा में शामिल होंगे। ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही करीब 12.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद रहेंगे। डीजीपी अशोक कुमार समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार समेत कई अधिकारी पासिंग आउट में शामिल रहेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर 17 डीएसपी पुलिस की मुख्यधारा में शामिल होंगे। और ऐसे में ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन होगा और इस आयोजन में मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। तो इसके साथ ही करीब 12.5 महीने बाद देहरादून से बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पासिंग आउट परेड में तीरथ सिंह रावत मौजूद रहेंगे। तो वहीं एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, आज से मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा होगी। पहले चरण में 6 जिलों की समीक्षा होगी, जिसमें देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर की समीक्षा होगी। इसके बाद नैनीताल और उधम सिंह नगर की समीक्षा करेंगे। तो दूसरे चरण में शेष जिलों की समीक्षा की जाएगी। बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नैनीताल और उधम सिंह नगर की समीक्षा करेंगे। ऐसे में दूसरे चरण में शेष जिलों की समीक्षा की जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें देहरादून से है बड़ी जानकारी, आज से मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा होने जा रही है। पहले चरण की अगर बात करें तो 6 जिलों की समीक्षा होगी और इन 6 जिलों में शामिल है देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर। और इसके बाद अगर बात करें नैनीताल और उधम सिंह नगर की, तो वो शामिल है पहले चरण में। दूसरे चरण में शेष जिलों की समीक्षा की जाएगी। देहरादून से बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज से मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा होगी। और ऐसे में पहले चरण की अगर बात करें तो उसमें 6 जिले शामिल हैं। 6 जिलों की समीक्षा होगी और इन 6 जिलों में देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर आते हैं। इसके साथ ही नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये पहले चरण में होंगे। और इसके बाद दूसरे चरण की अगर बात करें तो उसमें शेष जिलों की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत जुड़ चुके हैं। किशोर जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री घोषणाओं की अब समीक्षा होने जा रही है और इसमें पहले ही देहरादून शामिल है, 6 जिले शामिल हैं इसमें, तो क्या कुछ पहले चरण को लेकर के तमाम अपडेट है इस वक्त? मुख्यमंत्री अब समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जो लगातार जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी उनकी समीक्षा बैठक करेंगे और उनमें कितना काम हुआ है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि घोषणाएं हो जाती है, उन पर काम नहीं होता, तो इससे कहीं ना कहीं जो विकास के कार्य है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री की ये पहल है कि सबसे पहले 6 जिलों की घोषणाओं की, जो जहां जहां जिन घोषणाएं की गई है जिलों में, उनकी समीक्षा की जाए, उनकी रिपोर्ट मांगी जाए और उनका प्रारूप देखा जाए कि किस तरीके से कहाँ पे क्यों अटकी है। और अक्सर ये सामने बातें आती है कि नौकरशाही की वजह से ये जो घोषणाएं हैं ये अमल में नहीं आ पाती, तो अब इनको लेकर बैठक की जा रही है और संभवतः हर चीज पे बारीकी नजर से दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि, और इसका हर किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि इन घोषणाओं को जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही किशोर जी, अगर बात करें पौड़ी और अल्मोड़ा की, तो वहां से लगातार विकास कार्यों को लेकर के लोगों में रोष था, और ऐसे में इन समीक्षा बैठक में वो सभी बातें सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, जो पिछले दिनों लोगों की शिकायतें थी और जो लगातार आम लोग इस बात को कह रहे थे कि घोषणाएं कर दी जाती है लेकिन वो पूरी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है कि इनकी वजह जानी जाएगी कि घोषणाएं क्यों नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो फाइनेंशियल समस्या है उसको भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर इन घोषणाओं को पूरा करने में पैसों की दिक्कत आ रही है तो वो कहाँ से और क्यों आ रही है, इस बात की भी समीक्षा की जाएगी और जाहिर सी बात है कि जवाबदारी तय की जाएगी इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे आगे चल करके। तो ऐसे में नैनीताल और उधम सिंह नगर की समीक्षा होगी, जो कि पहले चरण में आते हैं।
तो वहीं देश में कोरोना की क्या स्थिति है वो आप तक पहुंचा दें, 67,256 नए मामले सामने आए हैं एक दिन में, तो इसके साथ ही 2,329 लोगों की मौत हो गई है 24 घंटे में, 103,853 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं 24 घंटे में, तो देश में अब 8,21,392 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। कोरोना को लेकर देश में क्या स्थिति बनी हुई है ये आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्टिव केसेस की संख्या 8,21,392 है। तो वहीं अगर बात करें 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों की, तो 67,256 नए मामलों की पुष्टि हुई है और एक दिन में कोरोना से 2,329 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वही आप जानते हैं उत्तराखंड का हाल, उत्तराखंड में क्या कुछ कोरोना की स्थिति है। 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 353 नए मामले दर्ज किए गए हैं, 6 मरीजों की मौत हो गई है बीते 24 घंटों में, इसके अलावा 398 मरीज ठीक होने के बाद अपने घर पहुंच गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 24,165 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अल्मोड़ा में 20, बागेश्वर में 2, चमोली में 9, चंपावत में 7, देहरादून में 75, हरिद्वार में 94, नैनीताल में 30, पौड़ी में 27, पिथौरागढ़ में 24, रुद्रप्रयाग में 15, टिहरी में 20, उधम सिंह नगर में 10 और उत्तरकाशी में 20 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 353 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटों में। बीते 24 घंटों में अगर बात की जाए मौतों के आंकड़ों की, तो 6 मरीजों की मौत हो गई है, तो वहीं 398 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, उन्होंने कोरोना को मात दे दी है, अपने घर पहुंच गए हैं। कोरोना को लेकर उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार गिरावट देखने को मिली है आंकड़ों में, तो इस वक्त क्या स्थिति है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून में 75, हरिद्वार में 94 मामले सामने आए हैं, हरिद्वार में अभी भी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं बीते 2 हफ्तों से। तो वही प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले और मौतें थम नहीं रही है। बुधवार की अगर बात करें तो देहरादून जिले में 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश में 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 413 हो गई है, जबकि 71 मौतें हुई हैं। एम्स ऋषिकेश में 5 और श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का 1 मरीज मिला है। एम्स ऋषिकेश में 2 मरीजों की मौत हुई है, अब तक 47 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं ब्लैक फंगस से। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस एक बड़ी आपदा के रूप में सामने है देश पर, तो ऐसे में प्रदेश की अगर बात करें, उत्तराखंड की अगर बात करें, तो वहां पर भी ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में चार धाम यात्रा पर आगामी 22 जून तक रोक लगाते हुए नई नियमावली न्यायालय के सामने रखने को कहा है। न्यायालय ने पर्यटन सचिव के मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों के राज्य से बाहर होने के तर्क को नकारते हुए ऑनलाइन मीटिंग कर नई नियमावली बनाने को कहा है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश रविंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलाकर को वितरित शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने चारधाम की तैयारियों के साथ उनके द्वारा दिए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों, चारधाम यात्रा के लिए तैनात पुलिस जवानों की संख्या पर जानकारी देने को कहा है। तो वहीं खंडपीठ ने पूछा कि चारधाम मार्ग को सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 2020 में चारधाम में 3,10,568 श्रद्धालु दर्शन में गए थे, लेकिन इस वर्ष कोविड की दूसरी लहर काफी भयावह है, ऐसे में सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। अब 23 जून को इस पूरे मामले को लेकर के अगली सुनवाई होनी है। तो वहीं लॉकडाउन के चलते माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फिलहाल चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। माननीय न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिव प्रसाद भट्ट द्वारा न्यायालय को बताया गया कि 2020 में लाखों की संख्या में लोग चारधाम यात्रा में आए थे, जबकि कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब कोरोना की दूसरी वेव चल रही है, जिसके चलते भारी मात्रा में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वहीं कुंभ मेले के दौरान भी भारी मात्रा में लोगों में कोरोना संक्रमण फैला था। इसी को देखते हुए माननीय न्यायालय ने सचिव पर्यटन, सचिव हेल्थ, सचिव उत्तराखंड सरकार और सभी को एफिडेविट देने को आदेश दिया है। इसके साथ ही अगली तारीख तक उत्तराखंड सरकार व सभी अधिकारी माननीय न्यायालय को बताएं कि चारधाम यात्रा मार्ग पर क्या क्या तैयारियां की गई है। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में चारधाम के मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि सन 2020 में 3,10,568 पिलग्रिम्स आए थे, और तब भी कोरोना था, लेकिन वो कोरोना
और सेकंड वेव ज़्यादा सीवियर है तो सरकार को उसी हिसाब से ज़्यादा इंतजाम करने पड़ेंगे, और जो एफिडेविट सरकार ने फाइल करा है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि उसमें हैंड सैनिटाइज़र, डिस्पेंसर्स, मेडिकल सुविधाएं उसके बारे में साइलेंट है। तो कोर्ट ने यह बताया, लर्नेड सेक्रेटरी टूरिज्म दिलीप जावलकर जी को बोला कि एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें विद एविडेंसेस एंड प्रूफ्स कि आप लोगों ने क्या क्या किया है, और जो आपने इंस्पेक्शन किया था उसमें जो भी खमियाँ पाई गई थी वो खमियाँ दूर हुई नहीं हुई, कितने आप पुलिस वाले डिप्लॉय कर रहे हैं चार धामों में, कितने रास्ते में कितने होंगे, रास्तों को आप सैनिटाइज करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आप पूरे नेक्स्ट एफिडेविट में फाइल करेंगे। और इसके बाद हमने कोर्ट को यह भी बताया कि 1 लाख कोविड रिपोर्ट्स जो नकली आई थी कुंभ में, उसमें 11 प्राइवेट लैब्स इन्वॉल्व थी, और हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट करा कि इन 11 प्राइवेट लैब्स को प्रतिबंधित किया जाए कि वो चार धाम में अपने कोई भी कैंप ना लगाए, ताकि यह क्योंकि यह संभावना है कि उसमें भी वो घपला करेंगे। तो वही खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में 20 जून को होने वाला गंगा दशहरा का स्नान सांकेतिक ही होगा। 22 जून तक बढ़ाए गए कोविड कर्फ्यू के बाद ये फैसला लिया गया है। गंगा दशहरा के 3 सीमाओं पर भी पुलिस सख्ती से पहरा देगी। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लगे कोविड कर्फ्यू को सोमवार को दोबारा 15 से 22 जून तक बढ़ा दिया गया है। 20 जून को हरिद्वार के सबसे महत्वपूर्ण स्नानों में से गंगा दशहरा का स्नान भी होता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। हरिद्वार में ये पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन लाखों लोग गंगा स्नान को हरिद्वार पहुंचते हैं और तीर्थ पुरोहित माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कोविड कर्फ्यू के कारण इस साल ये स्नान सांकेतिक होगा। गंगा सप्तमी की तरह इसमें प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जाएंगी। श्री गंगा सभा के पदाधिकारी और तीर्थ पुरोहितों को पूजा अर्चना की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अस्थि विसर्जन पर पहले से ही छूट जिला प्रशासन की ओर से दी जा चुकी है। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने गंगा दशहरा स्नान सांकेतिक कराने का फैसला लिया है। इसको लेकर जल्द ही श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही सांकेतिक पूजन में पहुंचने के लिए आपको आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। 20 जून को गंगा दशहरा है। तो वहीं वर्ष 2013 की 16-17 जून की काली रात ने उत्तराखंड के इतिहास में वो काला दिन दिखाया जो कि भूले नहीं हैं लोग अभी भी। देवभूमि में हजारों लोग काल की भेंट चढ़ गए थे, तो कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। इसके साथ ही और भयानक मंजर की अनदेखी बयां करते रहे, लेकिन केदारनाथ आपदा के दौरान केदारनाथ धाम में एक ऐसा शख्स भी था जो जन्मजात दिव्यांग था और उस दिन केदारनाथ में ही मौजूद था। आंखों से भले ही उस शख्स ने जिंदगी नहीं देखी हो, लेकिन इंद्रियों से जो महसूस किया वो आज भी उसे डरा देने के लिए काफी है। मैं ऐसा हुआ महाराज कि मैं 2013 में केदारनाथ में था। उसके बाद जो है 16 तारीख को जो है जब मैं वहाँ रहा, तो जब 16 तारीख को मैं वहाँ रहा तो मेरा एक्चुअली मेरा आने का प्रोग्राम ये था कि मैं 17 तारीख को मैं घर आऊँ। वहाँ होता है 17 की संक्रांत आती थी, मतलब लोग घर आ जाते थे, हम भी तैयारी थी। हमने कहा बारिश बंद हो जाएगी तब निकल जाएंगे। यात्रा बढ़ रही थी, थोड़ा लालच भी बढ़ा था, मैंने कहा यात्रा बढ़ रही है, घर जाके भी क्या करना, तो जाने में देखेंगे बारिश तो आज कल बंद हो जाएगी। हमें क्या पता कि भगवान भोलेनाथ ऐसी लीला करते हैं। उसके बाद जो है 16 तारीख को जो है हम वहाँ रहे, तो जब केदारनाथ का प्रथम द्वार टूटा, स्वागत दरबार जो स्वागत गेट था वो टूटा, हमने कहा अब तो गए काम से, लेकिन फिर भगवान में भरोसा था हमारा कि भाई भगवान। तो वहीं 2013 की जल प्रलय में केदारनाथ में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य की प्राचीन समाधि पूरी तरीके से बह गई थी, जिसके बाद केदारनाथ में पीएम मोदी ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में एक आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य समाधि का भव्य पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है जो इस वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा।
शंकराचार्य की समाधि, जैसे ही आप मंदिर के पीछे दिव्य शिला देख रहे हैं, वहाँ जब श्रद्धालु जाएंगे तो दिव्य शिला से 48 मीटर की दूरी पे एक कॉरिडोर बना रहे हैं हम लोग, जिसका चौड़ाई है 3.5 मीटर, वो शंकराचार्य समाधि तक जाएगा। वो कॉरिडोर में दोनों तरफ की दीवारों में क्लैडिंग, यहाँ का लोकल जो पत्थर होगा वो दिखेगा, तो एस्थेटिक व्यू उसमें बड़ा अच्छा दिखेगा। और जैसे ही आप शंकराचार्य समाधि तक पहुँचेंगे तो वो स्फेरिकल राउंड में नीचे जाएगा, मतलब 6 मीटर आपको नीचे जाना है स्फेरिकल में, तो आप चारों दिशाओं से उसको अगर मूर्ति को देखेंगे तो वो 3 डायमेंशनल है, उसमें आपको फ्रंट ही दिखेगा। और वहाँ दर्शन करने के बाद आपको नीचे पानी, हल्का पानी चला हुआ रहेगा, जो हमने दोनों रिवर से मंदाकिनी और सरस्वती टैप करके लेके आए हैं। इस समय केदारनाथ धाम में मौजूद हैं और केदारनाथ धाम से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जो वर्ष 2013 की आपदा के बाद यहाँ पे पुनर्निर्माण के कार्य संपादित किए जा रहे हैं। वर्ष 2013 की आपदा में आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी और उसी के बाद अब इसका पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की ये समाधि थी। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे करीबन 60 मीटर की दूरी पर ये समाधि स्थल है और अब इसका जो पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है, स्थानीय पत्थरों से इसका निर्माण किया जाएगा और बड़े भव्य रूप से यहाँ पे एक योग की भी व्यवस्था की जाएगी, जबकि संग्रहालय के साथ ही इसके चारों तरफ इसको और भव्य बनाने के लिए फुटपाथ और तमाम तरह की व्यवस्थाएँ की जाएंगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में करीबन 3 महीने के समय में ये पूरी समाधि बनकर तैयार होगी। कुलदीप राणा, इंडिया न्यूज, केदारनाथ। तो वहीं देहरादून में विधानसभा भवन में आज शोक सभा आयोजित कर दिवंगत कांग्रेस नेत्री और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश और गंगोत्री विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत विधानसभा कर्मी द्वारा स्वर्गीय इंदिरा हरदेश, स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत समेत विगत दिनों दिवंगत हुए विधानसभा के 4 लोगों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नहीं है और ऐसे हमारे गंगोत्री के माननीय विधायक गोपाल सिंह रावत जी जो हमारे बीच में नहीं है, और इसके साथ साथ हमारे विधानसभा की इस दौरान जो बड़ी क्षति हुई कि जब 4 कार्मिक कोरोना से संक्रमित होकर अपने जान हार गए, इन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। निश्चित रूप से हम पूरे विधानसभा परिवार के लोग इन सब के जाने से बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं, और जिस प्रकार से हमारे 4 कार्मिक इस कोरोना से अपने जीवन की जंग हारे, अपने बीच के बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे, बहुत दुखों का पहाड़ हमारे पर टूटा। तो वही उत्तराखंड में जल्द सरकारी विश्वविद्यालयों में 206 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें 1 महीने के अंदर नौकरियों का विज्ञापन निकाला जाएगा और 2 महीने के अंदर इन भर्तियों को पूरा कर दिया जाएगा। दरअसल राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों की बैठक की। इस बैठक में विश्वविद्यालयों में खाली पदों को जल्द से जल्द भरे जाने की चर्चा की गई। इसके साथ ही 188 पद क्लर्क के भी सरकारी विश्वविद्यालय में खाली है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 2 महीनों के भीतर 394 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मुझे लगता है कि जहां जहां भी ऐसी वारदातें हुई हैं तो निश्चित रूप से वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहां के जो सीएमओ हैं, सरकार ने उनको आदेश दे दिए हैं कि भाई इनकी जाँच कराई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि कई जगह की बातें आ रही हैं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे हरिद्वार है, तो जल्दी उसकी इंक्वायरी हो जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।